हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो जस्ट नाउ कैप्रॉन का पूरा टाइम टेबल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आज जो लास्ट डेट था गवर्नमेंट का एफसी का डॉक्यूमेंट अपलोडेशन एंड वेरीफाई करने का जो डेट था, उस डेट को भी गवर्नमेंट ने 19 तक आप एक्सटेंड कर दिया है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं 19 तक। ओके, उसके बाद 20th तक मतलब 20 तारीख तक आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके ला सकते हैं। इसके आगे गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड नहीं करेगा। ओके, तो ये पूरा एक अपडेशन आया है रिगार्डिंग एफसी राउंड। अभी 20 तारीख को सारा सारा कुछ प्रोसेस खत्म होने के बाद 22 तारीख को ये जितने भी स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर एफसी राउंड में पार्टिसिपेट किया था, उन सारे स्टूडेंट का एक मेरिट लिस्ट लगेगा 22 तारीख को। राइट, तो मेरिट लिस्ट में आपका रैंक आपको प्रॉपरली पता चलेगा, होम यूनिवर्सिटी रैंक एंड आपका ऑल ओवर इंडिया लेवल का रैंक कितना है। और रैंक आपको दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि आपको JBMS मिल रहा है, सिडनी मिल रहा है, कि मुंबई के टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, की पुणे के टॉप 10, टॉप 20 कॉलेजेस मिलने जा रहे हैं। राइट, वो मेरिट लिस्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद जिन जिन लोगों को कुछ ग्रीवेंसेस आते हैं, कि मतलब सपोज आपको बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला, आपको कहीं कहाँ पे ओबीसी का नॉन क्रिमिनल बाद में मिला, राइट, तो आप एफसी सेंटर पे जाके या आपके लॉगिन में जाके आपके स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ दैट, वो उस डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं कर पाए थे, लेकिन समवेयर 25 तारीख को उनको अगर वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो आप ग्रीवेंसेस में जाके अपने रैंक को और आपके पर्टिकुलर कास्ट को या आपके स्टेटस को सुधार सकते हो। ये सारे प्रॉब्लम को ध्यान में लेते हुए गवर्नमेंट 27 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगी। उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। राइट, फिर 27 तारीख को मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर आपके 3 कैप राउंड चालू हो जाएंगे। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस क्या आपका फुल फॉर्म होता है, जिसमें आपको 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपके लॉगिन में जाके आपको सबवेयर अराउंड 30 से 50 कॉलेज का नाम डालना पड़ता है एज पर योर रैंक, आपका कास्ट, आपका मेरिट, आपका होम यूनिवर्सिटी और ऑल ओवर इंडिया लेवल का रैंक। एंड इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ब्राइटवेज आपको मदद करेगा। तो ब्राइटवेज ने पूरी टीम बना ली है हमारी एक्सपर्ट की, जो जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स जो आपके सीनियर्स है वो उस टीम में है। राइट, तो सारे स्टूडेंट्स का रैंक, परसेंटाइल, आपकी कास्ट, और आपको मुंबई से एमबीए करना है कि पूना, नागपुर, नासिक, जळगाव, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर, यहाँ से आपको एमबीए करना है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए ओके, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बहुत दिन से बनाए हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजेंगे। एंड आपको कैपराउंड 1 में कौन सा कॉलेज डालना है वो पूरी लिस्ट में आपको बना के देगा। राइट, तो दैट लिस्ट विल हेल्प यू कि आपको किस प्रकार से आपका कॉलेजेस का सीक्वेंस रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जिस तरीके से आप सीक्वेंस डालोगे, उसी प्रकार से आपको कॉलेजेस मिलना चालू हो जाएंगे। राइट, तो बहुत सोच समझ के आपको इस लिस्ट को बनाना पड़ेगा। तो फॉर दैट विल हेल्प यू। लिस्ट बनने के बाद आप लिस्ट अपडेट करते हो, फिर 2 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को आपका उसका रिजल्ट आएगा कि आपको उस 30 कॉलेज में से कौन सा कॉलेज मिल रहा है। फिर उस कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए आपको फ्रीज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वो कॉलेजेस चाहिए लेकिन आपको और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड फाइट करना है, तो आप बेटरमेंट या फ्लोट के लिए जा सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाएगा। तो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वहां पे आपको 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक तो जाके आपका एडमिशन ब्लॉक करना है। फिर उसके हिसाब से कैप राउंड 2 चालू हो जाएगा 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, और उसके बाद कैप राउंड 3 चालू हो जाएगा 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। ओके, और सारे कॉलेजेस एमएमएस एमबीए के 14 तारीख से चालू हो जाएंगे। और कैपरा उसके बाद आईएलएस राउंड हो गया, मैनेजमेंट सीट हो गया, डोनेशन का सीट हो गया, ये सारा तामझाम खत्म होके 29th ऑफ अगस्त को आपका पूरा महाराष्ट्र का एमबीए एमएमएस का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो दिस वे द एंटायर टाइम टेबल इज रेडी, इसमें चेंजेस होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, आप इस ग्रुप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए, एंड जितनी जल्दी हो सके आने वाले 3 या 4 दिन में आप अपना लिस्ट बना के रखिए। तो कल ही हमने 2,500 स्टूडेंट्स का पीडीएफ बना के सारे ग्रुप में अपडेट कर दिया है। आप सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी उस ग्रुप में है, तो उस पीडीएफ को चेक कीजिए आपका नाम है कि नहीं। जो लोग उस अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हो चुके हैं, हमको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। राइट, तो दिस वे कमिंग 1 month इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू डिसाइड कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। अगर आपने इस कैप राउंड को अच्छे तरीके से खेला, तो 101% आपको मुंबई का और पुणे का एक अच्छा कॉलेज मिलना ही मिलना है। ओके, तो
तो अभी ये पूरे टाइम टेबल को अंडरस्टैंड कीजिए, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।